केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के हौसले बुलंद हैं। हरसिमरत बादल ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी बठिंडा लोकसभा सीट लगातार तीसरी बार जीतकर हैट्रिक बनाई है। इतना ही नहीं, हरसिमरत कौर बादल ने लगातार दूसरी बार नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में फूड प्रोसेसिंग मंत्री का दर्जा भी प्राप्त किया है। हरसिमरत बादल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में 9वें स्थान पर कसम उठाई। हरसिमरत बादल की सीनियोरिटी का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनसे पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शपथ ग्रहण की थी। हरसिमरत बादल के बारे में एक और दिलचस्प तथ्य सामने आया है। नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में शपथ लेने वाले मंत्रियों में हरसिमरत बादल सबसे अमीर मंत्री हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के अनुसार हरसिमरत बादल कुल 217 करोड़ रुपए की संपत्ति की मालिक है। एडीआर के अनुसार हरसिमरत बादल के बाद केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल दूसरे और गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत सिंह तीसरे स्थान पर हैं। अपनी सफलता के बाद हरसिमरत बादल जबरदस्त उत्साह में हैं। हरसिमरत बादल ने अपने हल्के के मतदाताओं का धन्यवाद करने के लिए दौरे करने शुरू कर दिए हैं, लेकिन इसकी विस्तार से चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले हम केंद्रीय मंत्री हरसिमरत बादल के संबंध में कुछ और रोचक तथ्यों की चर्चा कर लेते हैं। 17वीं लोकसभा में पंजाब से अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल और उनके पति सुखबीर बादल चुनाव जीते हैं। सुखबीर बादल ने अपने विरोधी कांग्रेस के शेर सिंह घुभाया को 198,000 वोटों से हराकर रिकॉर्ड बनाया है। दूसरी तरफ हरसिमरत बादल किसी एक सीट से लगातार तीसरी बार जीतने वाली पंजाब की अकेली सांसद हैं। एक खास बात यह भी है कि लोकसभा में हरसिमरत बादल और सुखबीर बादल साथ साथ नहीं बैठ पाएंगे। कैबिनेट मंत्री होने के नाते इस पर हरसिमरत कौर बादल को लोकसभा में पहली पंक्ति में जगह मिलेगी। सुखबीर बादल भी तीसरी बार लोकसभा का चुनाव जीते हैं, लेकिन सुखबीर बादल को पीछे की सीटों पर सन्नी देओल के साथ जगह दी जाएगी। राजनीति के जानकार नतीजों के आधार पर 2019 के लोकसभा चुनाव को अर्थमैटिक की बजाय केमिस्ट्री का चुनाव बता रहे हैं। इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बादल परिवार की केमिस्ट्री का जबरदस्त तालमेल देखने को मिला है। यही कारण है कि दो सीटें जीतने वाले अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल सीनियर मंत्रियों में शुमार है और 16 सीटें जीतने वाली नीतीश कुमार की जेडीयू कैबिनेट से बाहर बैठी है। पहले अकाली दल की ओर से सुखबीर बादल के केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाने की चर्चा थी, लेकिन प्रकाश सिंह बादल की सफल रणनीति के कारण हरसिमरत बादल का नाम मंत्री पद के लिए दिया गया। वजह साफ है कि सुखबीर बादल को मोदी मंत्रिमंडल में इतना ऊंचा स्थान नहीं मिलना था जितना हरसिमरत बादल को मिला है, और यह भी कि देर सवेर सुखबीर बादल को लोकसभा से इस्तीफा देकर पंजाब की राजनीति में वापस आना ही है। आइए अब जरा दूसरी बार मंत्री बनने के बाद हरसिमरत कौर बादल के तेवर भी देख लेते हैं। शनिवार को तलवंडी साहबो में तख्त श्री दमदमा साहब में माथा टेकने के बाद हरसिमरत कौर बादल ने बठिंडा लोकसभा हलके का धन्यवादी दौरा शुरू किया। मानसा में संतों को संबोधित करते हुए हरसिमरत बादल ने कांग्रेस पर झूठा प्रचार करने के आरोप लगाए। हरसिमरत बादल ने कहा कि झूठे प्रचार के कारण ही मतदाताओं ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और पंजाब प्रधान सुनील जाखड़ को हरा दिया है। हरसिमरत कौर बादल ने कांग्रेस और अकाली दल को मिले वोटों के तुलनात्मक आंकड़े भी पेश किए। हरसिमरत कौर बादल ने बताया कि 2017 के विधानसभा चुनाव में अकाली दल को 47 लाख और कांग्रेस को 59 लाख वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 55 लाख और अकाली दल को 51 लाख वोट मिले हैं। इसे कैप्टन सरकार की घटती लोकप्रियता का सबूत बताते हुए हरसिमरत बादल ने कहा कि इन दो सालों के अंतराल में 4 लाख वोट कांग्रेस से अकाली दल की तरफ आए हैं। आम आदमी पार्टी के सफाई का दावा करते हुए हरसिमरत बादल ने कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव में 36 लाख वोट पाने वाली झाड़ू वालों की पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 लाख वोट तक सिमट कर रह गई। हरसिमरत बादल ने इन आंकड़ों के आधार पर पंजाब में अगली सरकार अकाली भाजपा गठबंधन की बनने का दावा भी किया। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।